अमित शाह के वाराणसी दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन वो करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर है वो, और ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर लगातार तमाम बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आज वो आखिरी दिन वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक लेंगे। तो देखिए, तमाम रणनीति राज्यों को लेकर, शहरों को लेकर बनाई जा रही है, और जब काशी की बात होती है, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति वहां पर रहेगी, किस तरह से चुनावी प्रचार करना है, इसको लेकर बीजेपी के चाणक्य की कहे जाने वाले अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं आज काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। अगर वाराणसी की बात की जाए तो सबसे आखिरी चरण में वहां पर चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री भी वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं, और साथ ही देखिए प्रचार प्रसार किस तरह से होना है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार हुआ है तेज। वाराणसी से तेलंगाना ओडिशा पहुंचेंगे अमित शाह, तेलंगाना और ओडिशा को वो साधेंगे। दोपहर 12:30 बजे तेलंगाना के सिद्दीपेट पहुंचेंगे गृह मंत्री, सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं यहाँ के अमित शाह यहाँ पर मेडक लोकसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, सिद्दीपेट पहुंचेंगे गृह मंत्री, 12:30 बजे वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार बेहद तेज नजर आ रहा है, लगातार तमाम राजनेता जनता के बीच में है, जनसंवाद करते हुए तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी से के बाद वो तेलंगाना और ओडिशा पहुंचेंगे। अब शाह का मिशन तेलंगाना क्या है, देखिए मेडक लोकसभा क्षेत्र जिसका अगर हम जिक्र कर लेते हैं, तो दोपहर 12:30 बजे जनसभा को वहां पर अमित शाह संबोधित करेंगे डिग्री कॉलेज ग्राउंड सिद्दीपेट में, जनसभा को वो संबोधित करेंगे। महामुकाबला जो है वो एम रघुनंदन राव बीजेपी प्रत्याशी, पी वेंकटराम रेड्डी यहाँ पर बीआरएस प्रत्याशी, और नीलम मधु कांग्रेस के प्रत्याशी, त्रिकोणीय मुकाबला मेडक सीट से देखने को मिलेगा। तो मेडक लोकसभा सीट का ये त्रिकोणीय मुकाबला, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को आज संबोधित किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। अब देखिए, मेडक सीट का सियासी समीकरण 2019 का के प्रभाकर रेड्डी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। अनिल कुमार गली और मदव नेनी रघुनंदन राव हार गए थे। 2019 का सियासी समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। 2019 में के प्रभाकर रेड्डी जीत गए थे इस सीट से। तो आज मेडक सीट को साधने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से की जाएगी।